नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बिलीफ एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। मैं विवेक दुबे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेष लग्न में जो शनिदेव का ट्रांजिट होने वाला है जनवरी 2020 में, उसके बारे में बात करेंगे कि मेष लग्न वाले जो हैं उन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या संभावनाएं बनेंगी उनकी कुंडली के हिसाब से। तो दोस्तों, जैसे कि आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपको अगर जेमस्टोन से रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैंने प्लेलिस्ट में लगभग धनु राशि तक मैंने बना के रखा है कि किस कंडीशन पे क्या रत्न धारण करना है, उसके बारे में हम डिटेल स्टडी एक काफ़ी लेंदी वे में मैंने सारा चीज़ एक्सप्लेन करके रखा है, आप उसे देख सकते हैं। राहु का हर एक प्लैनेट का इफेक्ट क्या है हर एक लग्न वालों के लिए मैंने प्लेलिस्ट में काफ़ी डिटेल में रखा हुआ है, आप उसे भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, अभी इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आ जाते हैं अपने जो आज की जो टॉपिक है जो कि शनि देवता का जो ट्रांजिट होने वाला है धनु राशि से, यानी कि अभी वो सजिटेरियस में थे और अब वो जाएंगे मकर राशि जो उनकी अपनी स्वराशि है। और जैसे कि दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि शनि देवता की ये अपनी राशि है तो अच्छा ही कुछ बेटर रिजल्ट देंगे। तो पहले बात करते हैं मेष लग्न। मेष लग्न क्या है? मेष लग्न में मंगल देवता जो हैं वो लग्न के मालिक बनते हैं और साथ ही साथ वो अष्टमेश भी हैं इस कुंडली में, यानी कि कहीं ना कहीं ये खुद अपने ही चार्ट में मैलेफिक प्लैनेट भी हैं। ये हो गया मंगल के बारे में। इस कुंडली में शनि का क्या रोल है? शनि देवता यहाँ पे दसम भाव और ग्यारहवा भाव, यानी कि जहाँ पे 10 नंबर लिखा है वो 10वां भाव है, जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है वो 11वां भाव है, यानी 10वें और 11वें के मालिक है। 10वां भाव जो होता है करियर का होता है, करियर राइजिंग का होता है, आपके स्टेटस का होता है, ये सारा चीज़ जो होता है 10वें भाव से देखा जाता है। 11वां भाव क्या होता है? 11वां भाव होता है विशेषता जो देखा जाता है वो आपके जिन जीवन में लाभ की स्थिति कहाँ कहाँ और कैसे निर्माण हो रही है उसके बारे में ज्ञात करने के लिए 11वें भाव को देखा जाता है। 11वां भाव होता है बड़े भाइयों का भी माना जाता है। 11वां भाव होता है छोटी मोटी जीवन में जो परेशानियाँ आती हैं उनका भी, और छोटी मोटी जो बीमारियाँ होती हैं वो भी 11वें भाव से देखी जाती हैं। और अन्य जितने भी प्रकार के लाभ हैं जीवन में, आपके डिज़ायर्स आप पूरे करते हो ऑलमोस्ट, यानी कि जिन चीज़ों से आप सुख प्राप्त करते हो, जिनसे आपको फ़ायदा होता है, आपके जीवन में कितना फ़ायदा है, आपकी अर्निंग, आपका हर एक चीज़ जो है, बेनिफिट्स जो हैं वो देखे जाते हैं 11th हाउस से। तो यहाँ पे शनि देवता दशम भाव और 11वें भाव के मालिक हैं, जैसे कि मैंने बताया। अब वो धनु राशि से अपने राशि अपने दशम भाव में आ रहे हैं मकर राशि में जो उनकी स्वराशि है, और इस राशि में तीन तीन प्लैनेट हैं जिनके नक्षत्र पड़ते हैं मेजरली। अढ़ाई नक्षत्र जो हैं वो किन किन के हैं? वो हैं सूर्य देवता के नक्षत्र हैं, वो चंद्र देवता के नक्षत्र हैं और मंगल देवता के नक्षत्र हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि आपके चार्ट में सूर्य चंद्र और मंगल का अच्छा होना भी अनिवार्य है अगर ये ट्रांजिट का रिजल्ट अच्छा आप चाहते हैं मिले तो। तो आप ये देखिए कि आपके चार्ट में सूर्य की स्थिति कैसी है, आपके चार्ट में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। अब सूर्य की स्थिति कैसी है, अच्छी है बुरी है, वो आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे? जैसे कि सूर्य नीच के ना हो, सूर्य 12वें में ना हो, सूर्य 8वें में ना हो, चंद्रमा 8वें में ना हो, चंद्रमा नीच का ना हो, चंद्रमा 12वें में ना हो, तो और या फिर राहु केतु के साथ सूर्य ना बैठा हो या चंद्रमा ना बैठा हो। तो कहीं ना कहीं अगर आप सूर्य राहु या केतु के साथ बैठ जाता है या चंद्रमा राहु केतु के साथ, वो काफ़ी हद तक वो उनका पावर कम हो जाता है, वो उतने बेटर रिजल्ट्स लाइफ में नहीं दे पाते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अगर सूर्य चंद्र और मंगल की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तो ये ट्रांजिट बहुत ही बेहतर और बहुत ही उम्दा जाएगा, बहुत ही बेहतर रिजल्ट देगा आपके करियर के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए और आपके लाइफ में जो भी आपने प्लानिंग की रखी है उसको भी ये बहुत अच्छे से पूरा करने में आपकी मदद करेगा। शनि देवता यहाँ पे अपने ही घर में आ रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे ये देखिए, ये 11वें भाव के स्वामी भी हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको रिवॉर्ड मिलना या फिर आपको प्रमोशन मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं, बहुत ही बेहतरीन चांसेस हैं आपको मैं बता दूं। ये आपको जितने भी अभी तक ट्रांजिट हैं उनमें से मैं कहूँगा ये एक ट्रांजिट जो है बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इवन शनि इसके बाद जो ट्रांजिट लेने वाले हैं एक्वेरियस में, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। ये लगभग 5 साल आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देंगे ये शनि देवता, आप ऐसा समझ के चलिए। तो पहला जो 2.5 साल है जो मकर राशि में रहेंगे उसके लिए मैंने क्या कहा आपको, सूर्य के चंद्र के और मंगल के पोजीशन आपके चार्ट में अच्छे होने चाहिए तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर सूर्य और चंद्र के मंगल के
पोजीशन अच्छी नहीं है। पोजीशन अच्छी नहीं होने से मतलब, जैसे मैंने आपको समझा दिया, मंगल जैसे कि ऑलरेडी यहाँ पे अष्टम भाव के स्वामी हैं, वो अष्टमेश हैं वो यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अगर उनकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, तो जब शनि देवता मंगल के नक्षत्र से गुजरेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऑब्स्टेकल्स या डाउनफॉल फेस करना पड़ सकता है आपको करियर वाइज में। दूसरी चीज़, शनि देवता के बारे में आपको एक चीज़ बता दूं, शनि देवता अकेले एक ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी राशि कंटिन्यू पड़ती है मकर और कुंभ, मतलब कंटिन्यू में आती है, बीच में कोई दूसरी राशि दूसरे प्लैनेट की नहीं आती। तो ये सबसे पहले तो ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि शनि को खुश करने का जो सबसे बेहतरीन उपाय है जीवन में, वो आप अपने जीवन में डिसिप्लिन लाएं, आप अपने जीवन में एक जीवन शैली को निर्माण करें कि कैसे जीना है, यानी कि कैसे जीना है, कैसे मतलब ये है कि कितना समय आपको अपने स्वास्थ्य को देना है, कितना समय आपको नियमित रूप से स्वास्थ्य को कितना देना है, अपने काम को कितना देना है, अपनी फैमिली को कैसे, इसका एक प्रॉपर, एक अगर आपके जीवन में किसका एक प्रॉपर डायग्राम आपने बना के रखा है, तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ आपका शनि खराब हो नहीं सकता। और अगर है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप लाइफ में ये जो प्रॉब्लम होता है आलस वाला, और जाने दो यार बाद में कर लेंगे, या फिर कल कर लेंगे, या फिर लेट इट बी वाला जो एटीट्यूड होता है आपके जीवन में ज़रूर होगा, और ये शनि को ख़राब करता है, और शनि को ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब रिजल्ट देने के लिए मजबूर करता है। तो याद रखिए, जो लोग डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं उनको शनि हमेशा अच्छा रिजल्ट देता है और हमेशा देगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। आप अगर अपने जीवन में कोई रूटीन से काम करते हैं, उस चीज़ को डेली नियमित रूप से डेली डेली रूटीन में रखते हैं, उसको फॉलो करते हैं, तो सैटर्न आपको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। दूसरी, और यहाँ पे जब सैटर्न ट्रांजिट कर रहे हैं 10th हाउस में, तो आपको बता दूं कि ये चीज़ों को 10th हाउस यानी कि जहाँ पे भी शनि आते हैं वो चीज़ों को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देते हैं, वहाँ के रिजल्ट्स आपको मिलते श्योरिटी से हैं, लेकिन आपके टाइम के मुताबिक नहीं, जब आप चाहेंगे नहीं। यहाँ पे मैं वो कहूँगा जो गीता का श्लोक है, कर्मणे वाधिकारस्ते, वो बहुत अच्छे से अप्लाई होता है, यानी कि आप काम करिए, आप रिजल्ट की परवाह मत कीजिए, आप खाली काम कीजिए, रिजल्ट आपको फॉर श्योर मिलेगा, आपके टाइम से नहीं मिलेगा, ये आपको बता दे रहा हूँ। शनि दशम भाव में है तो आपको आपके टाइम से रिजल्ट नहीं देगा, बट देगा श्योरिटी से। अगर आप काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट 100% मिलना है, हर फैसला आपके पक्ष में आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि सैटर्न ट्रांजिट है, तो मैं आपको कहूँगा आप अपने लाइफ में जो भी कर रहे हैं डिसिप्लिन के साथ करें, बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा टाइम है कि सैटर्न आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों फिर से मैं कह रहा हूँ, सूर्य का, चंद्र का और मंगल का स्थिति ज़रूर देख लें आपके चार्ट में, अगर उनकी स्थिति अच्छी है तो आपका ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको सैटर्न के ये ट्रांजिट। दूसरी चीज़ मैंने जो डिसिप्लिन के बारे में बताया उसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं शनि की दृष्टि के बारे में, शनि यहाँ से दृष्टि डालेंगे 12वें भाव पे, तीसरी दृष्टि जो उनकी है वो आएगी 12वें भाव पे, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ आपका 12वां भाव है, मीन राशि। यहाँ पे जो तीसरी दृष्टि होती शनि की, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाती, एक तरह से वक्र दृष्टि कहा जाता है उसको। तो यहाँ पे कुछ 12वें भाव से रिलेटेड चीज़ों को वो लाइफ में एज अ प्रॉब्लम आपके सामने ला सकते हैं, जैसे कि हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हो सकते हैं, कोई एक्सपेंसेस हो सकता है, या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बड़ा, हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट से आपको बेनिफिट भी हो। तो ऐसे कुछ चीज़ें आपके सामने 12th हाउस से आएंगी। और दूसरा, सातवीं दृष्टि जो होती है उनकी सीधी पड़ती है उनके शत्रु राशि, जो चार नंबर जहाँ लिखा हुआ है चंद्र राशि पर, जो कि शत्रु राशि मानी जाती है। तो माता की स्पेशली आपको ध्यान रखना चाहिए, घर के अंदर का इन्वायरमेंट अच्छा रखें, अपनी माता का ख्याल रखें, अपने जो भी आपके घर में अगर बूढ़ी है, बूढ़ी मतलब ग्रैंड ग्रैंड मदर वगैरह है, तो उनको भी विशेष तरह से उनको भी आप इज्जत दें और उनका भी सम्मान करें, उनका भी सेवा करें तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे घर प्रॉपर्टी या फिर व्हीकल से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, डिसीजंस अगर आप ले रहे हैं तो सोच समझ के लीजिए, बहुत रिलैक्स होके लीजिए, घाई ना कीजिएगा उसमें, और स्लोली जाइएगा, मैं आपको यही कहूँगा, स्लोली डिसीजन लीजिएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बट डिसीजन घाई में मत कभी लीजिएगा। शनि की जो दृष्टि पड़ेगी, दसवीं दृष्टि, वो पड़ेगी आपके सप्तम भाव पे, जो आपके कुंडली का 7वां भाव है, यहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, उनके गुरु, उनके मित्र की राशि है, तुला राशि है, शुक्र देवता की राशि।
तो उस पे उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी। हालांकि मित्र राशि है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यापार वालों के लिए तो एक हद तक ये काफ़ी काफ़ी बेहतर है, काफ़ी कोई ख़ास नुकसान नहीं है। लेकिन जो रिलेशनशिप है, जो शादीशुदा ज़िंदगी है, उसके लिए थोड़ा बहुत दिक्कतें परेशानियां दे सकता है। रिलेशनशिप इश्यूज थोड़े बहुत क्रिएट कर सकता है आपके लाइफ में, बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, लेकिन जिसके रिलेशनशिप इश्यूज चल रहे हैं, तलाक ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको विशेष सावधान रहना चाहिए। उन वहाँ पे वो सिचुएशन को बढ़ा देंगे, चीज़ों को बढ़ा देंगे, यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिए। ओवरऑल अगर प्रोफेशन के हिसाब से देखेंगे, प्रॉफिट के हिसाब से देखेंगे, यानी कि घर के बाहर की दुनिया के हिसाब से देखेंगे आप, तो ये ट्रांजिट बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाला है, सक्सेस लेके आने वाला है आपके लिए। घर के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा दिक्कतें दे सकता है, तो उसमें आप बस में यही करिएगा, रूटीन को फॉलो कीजिए और अपने डिसीजंस को स्लो डाउन और सोच समझ के डिसीजन लीजिए। कोई भी काम तुरंत इमीडिएट जल्दीबाजी में ना करें। तो दोस्तों, ये था मेरा शनि का ट्रांजिट, मेष लग्न के वालों के लिए कैसा रिजल्ट होगा, इसके लिए मेरा वीडियो था। आगे जो मैं बात करूंगा वृष लग्न और बाकी राशियों के लिए भी, मैं आपको जो शनि का जो ट्रांजिट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।